Well, hey guys, this is Fat Biker Vaibhav, and in this video, I'll be telling you 7 bike hacks for winters and beyond. Now, इस वाली वीडियो में मैं बाइसाइकिल के हैक्स भी बताऊंगा एंड थोड़े विंटर्स के भी हैक बताऊंगा. एंड द फर्स्ट हैक इज वियर बैंडाना. अब लोग देखते हैं कि जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आपके जो हेयर होते हैं वो थोड़े से खराब हो जाते हैं. एंड विंटर्स में कई बार ये भी होता है कि ठंड लगती है ऊपर, तो आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं. बैंडाना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आप उसको मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं, हैंड पे लगा सकते हैं, आप स्कार्फ की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वो, आप गले में भी लगा सकते हैं आराम से. नाउ जब हेलमेट पहनेंगे तो अपने हेयर जो है वो रोल बैक करेंगे एंड उसे बैंडाना पहन के फिर आप हेलमेट पहनेंगे. उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जो हेयर होंगे वो खराब नहीं होंगे. विंटर्स में काफी ज्यादा वार्म भी होता है एंड ज्यादा हवा भी नहीं लगती है आपको. आप ये सेम हैक समर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन समर में थोड़ा सा हीट अप हो जाता है, लेकिन आपके जो हेयर लॉस है वो बच जाते हैं. आप इसलिए बैंडाना आराम से पहन सकते हैं. जो बैंडाना होता है वो काफी ज्यादा सस्ता आता है. कई लोग होंगे वो ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो मैं उनको लिंक दे दूंगा. नो रफली फॉर साइकिलिंग देयर आर 3 टाइप ऑफ विंटर्स. द फर्स्ट इज कूल विंटर्स, जिसमें आप फुल स्लीव की जर्सी पहन सकते हैं, आराम से राइड कर सकते हैं. पुरानी जो समर्स की जर्सी है वो भी पहन सकते हैं, आपको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगी. द सेकंड टाइप इज द कोल्ड विंटर, इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्वेटर पहन सकते हैं, वाटरप्रूफ लेयर पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते, जो टेम्परेचर है थोड़ा सा कोल्ड होता है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ विंटर इज दैट ओ तेरी भैंस दी सर्दी. इसमें बेटर ये होता है कि साइकिल छोड़ दी जाए, 10 दिन तक आप ना नहाएं एंड बेड में ही रहें. जो फर्स्ट एंड सेकंड टाइप की विंटर्स है, आप उसमें या तो अपनी नॉर्मल साइकिलिंग जर्सी पहन सकते हैं या फिर आप इस टाइप की जर्सी पहन सकते हैं, ये विंटर फ्लीस है. इसमें क्या है, जो आउटर लेयर है वो थोड़ी सी विंड रेजिस्टेंट होती है लेकिन ब्रीदेबल होती है. अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी वुलन इफेक्ट भी है, तो इससे थोड़ी सी वार्मथ मिलती है. जो मैं राइडिंग के टाइम में पहनता हूँ वो मैं ये टाइप की चीज़ें पहनता हूँ, लेकिन जब मैं यूट्यूब करता हूँ तो मैं इस टाइप की जर्सी पहनता हूँ. एंड ये आपको बिल्कुल भी नहीं पहननी चाहिए, दीज आर नॉट आइडियल फॉर राइडिंग. जर्सी की स्पेसिफिक चीज़ होती है यहाँ पर पीछे पॉकेट दी होती है एंड यहाँ पर आप अपने सामान भी रख सकते हैं. एंड पीछे देखेंगे यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी हैं, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं रात के टाइम पे, बिकॉज विंटर्स में कई बार डार्क होता है एंड इट्स काइंड ऑफ रिस्की. फॉग के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, तो मेक श्योर कि आप रिफ्लेक्टर्स वाली चीज़ें पहने या फिर अपने बाइक पे रिफ्लेक्टर्स लगा लें. जैसे ये वाली रेड जर्सी वो रिसेंटली आई है, ये जो ब्रांड है दैट इज ब्री वॉस्की एंड आई बी यूजिंग दिस जर्सी इन माई फ्यूचर वीडियोज. नाउ इस वाली जर्सी की मैं थोड़ी सी टेस्टिंग करूँगा, कैसे इसकी क्वालिटी है, व्हाट आर इट्स फीचर्स, क्या ये अच्छी है, एंड आपको फ्यूचर में इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा. एंड अगर आपको ये चेकआउट करना है तो लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. जो थर्ड टाइप की विंटर है वो तेरी भैंस की, उसमें थर्ड मोस्ट जो लेयर होगी आपकी जो आउटर लेयर होगी उस पर आप विंडप्रूफ जैकेट पहन सकते हैं. वेल जो बैग होता है उसको पहना प्रेफर ना करना, ना विंटर्स में ना समर में, बिकॉज पीछे बैग जो होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है. तो आप एक काम करें, जो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो कोशिश करके बाइक में ही स्टोर करें. आपके जो ग्लासेस होते हैं वो कभी फॉगअप हो जाते हैं विंटर्स के अंदर, इसके लिए मैंने अपने पुराने वाले हैक वीडियो में एक वीडियो बनाई थी, आप यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर आपको वो वीडियो मिलेगी. ड्यूरिंग विंटर्स इट्स सुपर हार्ड टू गेट आउट ऑफ द बेड. आप ये सोचेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बेड से बाहर निकलते हैं, कैसे जो टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं कि आपकी नींद जल्दी खुट जाए, आपको थोड़ी सी गर्मी लगे. वेल नो, आप फैटबैक के चैनल पे हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा कि डायलॉग्स कैसे बोले जाते हैं. तो ये वाले थोड़े से डायलॉग्स हैं जो आप बोल सकते हैं. भैया आपका साइकिलिंग पे क्यों नहीं आए? यार वो मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया था. बट लेकिन आपके पास तो 6-7 साइकिलें हैं, आप फिर भी नहीं आए? हाँ लेकिन वो क्या था ना, सब टायर पंचर थे. सो फाइन, एक काम करना है, डिस्क्रिप्शन में थोड़े से मैं आपको डायलॉग्स बता दूंगा जो आप फ्रेंड्स के साथ यूज़ कर सकते हैं. थोड़े जेन्युइन भी लगते हैं कि आप विंटर्स पे क्यों नहीं आ सके. एंड ये वाले जो बहाने हैं आप एक जगह लिख के रख सकते हैं अपने नोटबुक में. एंड याद रहे, एक ही डायलॉग हर वीक में 2-3 बार से ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए. द नेक्स्ट हैक इज रिलेटेड टू वार्म अप. जब विंटर्स में राइडिंग करते हैं तो आपको वार्म अप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप वार्म अप नहीं करते हैं तो आपकी जो एनर्जी बहुत जल्दी लूज हो जाती है एंड आप कभी जल्दी थक जाते हैं. वार्म अप करने के लिए आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच आउट हो सकते हैं. लेकिन मैं अभी आपको एक हैक बताता हूँ जिससे आपका टाइम भी बचेगा एंड ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट नहीं होगी. क्या आप कर सकते हैं, जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप जो आपकी बाइक है वो राइड ना करके उसके साथ रनिंग करने लगे. आप जब रनिंग करेंगे तो आपकी जो बॉडी है काफ़ी ज़्यादा जल्दी वार्म अप हो जाएगी एंड उसी टाइम अपनी साइकिल पर बैठ के आराम से राइड कर सकते हैं. ये जो टेक्निक है मैं कई बार टेस्ट आउट कर चुका हूँ एंड लेट मी टेल यू दिस वर्क्स. द नेक्स्ट हैक इज कीप योर मोबाइल इन द शॉर्ट्स. वेल आप देख सकते हैं जब आप जो अपने मोबाइल होता है, अपने वॉलेट होता है, पीछे जर्सी की पॉकेट में रखते हैं. एंड इन इंडिया इट्स नॉट काइंड ऑफ सेफ, आप अगर पीछे रखेंगे तो आराम से कोई ना कोई स्टील कर सकता है. तो ये जो टेक्निक है वो मैंने खुद यूज़ करी हुई है एंड मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स भी यूज़ करते हैं. व्हाट वी कैन डू इज जो हमारी शॉर्ट्स होती हैं हम उसके अंदर मोबाइल इंसर्ट कर सकते हैं.
एंड मोबाइल जब इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर सिक्योर होता है बिकॉज जो इलास्टिसिटी होती है आपके शॉर्ट्स की वो उसको वहीं पर रखती है तो अगर मैं जंप करता हूँ तब भी ये नीचे नहीं गिरता है इस हैक की वजह से आपके थोड़े मोबाइल की ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी लेकिन आपकी जो स्वेट होती है उसकी वजह से आपका मोबाइल खराब हो सकता है अगर आपके पास वाटरप्रूफ मोबाइल है तो ये हैक काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है एक और हैक बता दूं जो आपकी जर्सी पॉकेट है उसके पीछे आप बैग पहन सकते हैं जो कि पॉकेट होते हैं वो कवर हो जाती है एंड बैग काफी ज्यादा सिक्योर रखता है ऐसे मोबाइल को अगर आप बैग नहीं पहनेंगे तो वो ओपन पॉकेट होती है लेकिन अगर आप बैग पहनेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी किसी को भी कुछ चुराने में द नेक्स्ट हैक इज द रिमाइंड टेप हैक एंड दिस इज माई फेवरेट हैक नकल भाई आप जब राइड पर जाते हैं आपको काफी ज्यादा चीजें कैरी करनी पड़ती है कभी आपको बैग कैरी करना पड़ता है अपनी बॉटल कैरी करनी पड़ती है कई बार फूड आइटम्स कैरी करनी पड़ती है स्पेसिफिक इवेंट की कोई रिक्वायरमेंट होती है जैसे आपकी कोई जर्सी है कोई बैंड है आपको वो कैरी करना पड़ता है या फिर कई बार क्या होता है किसी आपके फ्रेंड को गोलगप्पे खाने का मन है तो आपको वो कैरी करना पड़ता है अब ये होता है कई बार आप राइड करते हुए चीजें भूल जाते हैं तब उसके लिए क्या कर सकते हैं आप रिमाइंड टेप यूज कर सकते हैं ये मास्किंग टेप है जो 20-30 rupees आपको मार्केट में मिल जाएगी आराम से एंड आप कर सकते हैं इसमें कुछ भी अपना रिमाइंडर्स लिख सकते हैं जैसे आप लिख सकते हैं पंप या लाइट या ऐसी भी कोई चीज लिख सकते हैं एंड अपने हैंडल बार पे इसको चिपका सकते हैं नेक्स्ट डे आप जो मॉर्निंग में उठेंगे तो आप जो जो चीजें अपनी बाइक के साथ रख लेंगे या अपने बैग में डाल लेंगे अब जो टेप होगी आप उतार लेंगे एंड अपनी दूसरी बाइक पे लगा देंगे या किसी भी जगह पे लगा देंगे ताकि वो वापस चेक हो सके इस टेप की ये एडवांटेज होती है कि वापस चेक हो जाती है आराम से यानी चलती रहती है एंड आपकी बाइक पे भी इस पर मार्क्स नहीं लग पाते हैं अगर आप एक स्टैंडर्ड टेप यूज करेंगे तो मार्क्स लग जाएंगे वो क्लीन करना भी ईजी नहीं होगा लेकिन मास्किंग टेप से ऐसे कुछ भी नहीं होता है आप सीट के ऊपर भी लगा सकते हैं आप हैंडल बार के ऊपर भी लगा सकते हैं जब वॉक करेंगे आपको दिख जाएगा आपको ये चीजें मिसिंग है आप वही चीजें रख सकते हैं अपने बैग के अंदर एंड ये वाला हैक मैं कई बार यूज भी कर चुका हूँ जब मुझे राइड्स पे जाना होता है जैसे मुझे गिम्बल रखना है मुझे ये चीजें रखनी है तो मैं ऐसे असिस्ट करके स्टिक कर देता हूँ या कभी अपने मोबाइल में भी लिख लेता हूँ ये वाला हैक यूज करके आप कोई भी चीज अब मिस नहीं करेंगे अपनी राइड पर एंड द लास्ट हैक विंटर्स में क्या होता है काफी ज्यादा सर्दी होती है आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है तो आप ऐसे ऐसे करके अपने हैंड्स वार्म कर सकते हैं लेकिन कई बार क्या होता है हैंड्स वार्म अच्छी तरह नहीं हो पाते तो आप क्या कर सकते हैं ग्लव्स उतार सकते हैं ऐसे करके एंड फिर हम हैंड वार्म कर सकते हैं प्रोड्यूस होती है हीट अगर नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं अपने फ्रेंड ले सकते हैं एंड फ्रेंड के फेस पे ऐसे हाथ रख सकते हो एंड अब देखो कितने आपके गर्म हाथ हो जाते हैं सो इस टाइम के अपने पुराने वाली वीडियो से थोड़े क्वेश्चन पिक करूं एंड इस वाली वीडियो में उनका आंसर करूं सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हार्दिक कुमार भाई आपको ठंड नहीं लगती क्या स्लिम जर्सी में और शॉर्ट वेल भाई ठंड तो कुछ ज्यादा ही लगती है लेकिन उस टाइम क्या था मैं स्टंट्स कर रहा था तो काफी ज्यादा पसीने भी आ रहे थे तो मैंने जो अपनी आउटर लेयर थी वो उतार दी थी एंड इसकी वजह से मैं आराम से राइड कर पा रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ध्रुव गुने वाई यू चूजिंग एम्फैट फॉर ईच वीडियो वेल एक बार बताऊँ जो आपकी पहली महंगी साइकिल होती है जब वो खरीदते हैं एंड आपको उसको यूज़ करना पड़ता है अगर आप उसको यूज़ नहीं करेंगे तो मॉम डैड डांट मारेंगे कि तुमने इतने पैसे खर्चे ही क्यों एंड इसलिए मैं एम्फैट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा मैंने इस पर स्पेंडिंग कर दी है एंड थोड़ा मुझे इसको यूज़ आउट भी करना पड़ेगा अब एंड द लास्ट क्वेश्चन हम नीतू बोरा अगर मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करूँ फ़ोन नंबर तो आप दोगे फिर अगर आपको कोई साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा आई डोंट थिंक फोन नंबर की इतनी ज़्यादा जरूरत होती है आजकल के ज़माने में बिकॉज जो मैसेजेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी जाते हैं तो इस बेटर जो अपने सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके साथ चैट करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इससे आपका भी ज़्यादा टाइम सेव होगा आपको कॉल पे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू थिंक दिस वीडियो वाज गुड डू लाइक इट अगर आप चाहते हैं कि विंटर्स में आपके फ्रेंड्स भी थोड़े से बहाने मारे राइड ना करने के तो उनके साथ वीडियो शेयर करें ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दिस फैटबैक वैभव साइनिंग ऑफ एंड बेल आइकन भी दबा देना है नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी आ जाएगी आपके पास ये कौन क्या फेंक रहा है ऊपर से पांक द नेक्स्ट हैक January 26 की वो हो रही है ना इसलिए हेलीकॉप्टर ज्यादा उड़ रहे हैं कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हैं आजकल ओके हेलीकॉप्टर जा चुका है फिर वापस बात करते हैं हम वापस आ गए यार अबे यार क्या चाहता है इसके लिए मैंने अपने पुरानी वाली हैक वीडियो में एक वीडियो बनाई थी अब यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर आपको वो वीडियो मिलेगी अब यहाँ क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं कहाँ पर आपको वो वाली वीडियो मिलेगी लेफ्ट राइट नहीं समझ आता यार एक तो मुझे कैमरे में उधर दिख रहा स्क्रीन में इधर दिखता है हमेशा गलत होती है इधर पॉप आउट होता है तो मैं इधर करता हूँ इधर होता तो उधर करता हूँ देख लेता हूँ इधर आता है लेफ्ट की तरफ करना है तो काफ़ी लोग आ चुके देखने के लिए हाई टू द कैमरा आगे सारे के सारे आगे ओ भाई साहब ये